दोनों ही बड़े चंचल और नटखट थे। वे कहीं सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। लेकिन ये तो बोला ही नहीं आपने, सिंह ये नहीं, ये दृष्ट, ये तो श्लोक तो बोल दो। श्रृंग अग्नि दृष्टि जल द्विजकंठके भ्य क्रीड़ा परावती चलो स्वसुत हो निषेधुम निषिद्धुम। तो श्रीमद भागवत के इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ कि कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और नटखट थे, वे कहीं सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते और कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले बंदरों के पास पहुंच जाते, कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी तालाब के जल में कूद पड़ते, कभी मोर आदि पक्षियों की सवारी करने लग जाते, तो कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उनको ऐसा करने से बहुत रोकती, किंतु ये नटखट उनकी एक न मानते। भगवान वेदव्यास ने अपनी समाधि में भगवान श्री कृष्ण की इन सब लीलाओं को देखा और इन्हें जगत कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से संसार में प्रकट किया। हमारे अपने विचार के अनुसार ये सभी लीलाएं कुछ इस प्रकार घटित हुई होगी, ये श्री महाराज जी लिख रहे हैं। महाराज जी ने ये श्लोक है ना, लेकिन उसमें सिंह शब्द आया है, तो उन्होंने अपनी समाधि में ऐसी लीला देखी होगी। पूरी तो नहीं लिखी है, सिंह शब्द लिखा है कि कन्हैया धीरे धीरे सरकता हुआ गाय के पास पहुंचा और अपने दोनों हाथ गाय के गले में डालकर उसके गले से लिपटकर झूरने लगा। जब यशोधा ने यह दृश्य देखा तो वह डर गई कि कहीं गाय मेरे लाल को सींग ना लगा दे। इस भय की आशंका से मैया दूर से चलाई, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये निषिद्धम। निषिद्धम का ये मतलब है। अब सिंह के बाद आती है अग्नि, तो अग्नि का जो शब्द इधर आया है, उल्लेख आया है, तो महर्षि वेदव्यास ने अपनी समाधि अवस्था में ये देखा होगा कि मैया यशोधा ने सोचा कि घर में जब बेटा आया है तो बहू भी जरूर आएगी, तो गहने बनवाने के लिए मैया यशोधा ने सुनार को बुलाया है। सुनार किसी कार्यवश बाहर गया होगा, तो कन्हैया सरकता सरकता सुनार की भट्टी तक पहुंच गया और सुनार की आग फूकने वाली नली मुंह में डालकर आग लगा फूकने। जब चिंगारी उड़कर शरीर में लगी तो रोकर चलाया, मैया री मैया। मैया ने कन्हैया की आवाज सुनकर जब उस ओर झांका तो अपने लाल की करतूत देकर चलाई, निषिद्धम, अरे रुक रुक, नहीं ऐसा मत कर मत कर मत कर। आगे है दंष्ट्रा, दंष्ट्रा दांत को कहते हैं। कन्हैया किसी बानर की पूछ पकड़कर उसे सीधा कर रहा था, बानर की पूछ कभी सीधी हुई है लेकिन लगा हुआ था अपने प्रियतन ने। जब यशोधा मैया ने यह दृश्य देखा तो इस आशंका से कहीं बानर दांत ना मार दे, तो वह दूर से चलाई, अरे नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ये कहती कन्हैया उसे उठाने के लिए दौड़ी उसकी मैया। असी, असी कहते हैं तलवारों को, घर में तलवारें रखी होंगी, बलराम और कृष्ण एक एक तलवार उठाकर खनाखन 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 एक दूसरे से लगे भिड़ने। जब मैया यशोदा ने खनाखन की आवाज सुनी तो वह उन दोनों की ओर दौड़ती हुई चलाई, मत करो रुको रुको, ये निषिद्धम। फिर जल